हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि फ्रेंड्स से निकाली गई है वेस्टर्न रेलवे द्वारा। अब जो ये वैकेंसी है वो फ्रेंड्स से एंगेजमेंट है आपका जूनियर टेक्निकल एसोसिएट पोस्ट के लिए, और यहाँ पर इसका जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये फ्रेंड्स से 22/7/2020 को जारी किया गया है। आप सबसे पहले ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपकी रहेगी और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन 24/7/2020 से 22/8/2020 तक। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। और जो ये वैकेंसी है ये फ्रेंड्स आपके टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रहेगी, 19/11/2020 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। बाकी फ्रेंड्स आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू किया जा सकता है ईयर टू ईयर बेसिस पर। अब यहाँ पर फ्रेंड जो वैकेंसीज है वो क्या रहेंगी, तो जूनियर टेक्निकल एसोसिएट में सबसे पहले वर्क्स की, इलेक्ट्रिकल या फिर टेली कम्युनिकेशन में फ्रेंड्स 19, 12 और 10 वैकेंसीज आपकी टोटल यहाँ पर रखी गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो 3 ईयर डिप्लोमा आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर बीएससी आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर इसके अकॉर्डिंग आपका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास बेसिक स्ट्रीम है सिविल इंजीनियरिंग में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास 4 ईयर बैचलर डिग्री है सिविल इंजीनियरिंग में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए फ्रेंड्स डिप्लोमा है आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इनके रिलेटेड कोई भी कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट स्ट्रीम का, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट वैकेंसी में फ्रेंड्स आपके इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में अगर आपके पास यहाँ पर डिप्लोमा या डिग्री है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब डिप्लोमा होल्डर एंड डिग्री होल्डर दोनों ही इस वैकेंसी के लिए एप्लीकेबल है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपके पास मिनिमम परसेंटेज आपको दी गई है, इतनी कम से कम आपके पास होनी जरूरी है। इसके बाद है आपका एज लिमिट क्राइटेरिया, तो फ्रेंड्स आपका जो भी एज लिमिट है लोअर या अपर एज लिमिट ये फ्रेंड्स आपका काउंट होने वाला है, जो कि 22/7/2020 को काउंट होगा, जिसमें फ्रेंड्स जनरल के लिए जो एज है वो 18 से 33 साल है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 18 से 36 साल है, एससी एसटी के लिए 18 से 38 साल आपका यहाँ पर एज क्राइटेरिया रहेगा, और ये एज क्राइटेरिया 22/7/2020 को काउंट होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स प्रोसेसिंग फीस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑल कैंडिडेट्स के बारे में बात करते हैं, तो 500 रुपये फीस आपको देनी होगी, जिसमें 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आप इसके पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस टेस्ट में अपियर्ड होते हैं। इसके अलावा अगर आप एससी एसटी ओबीसी वुमन या माइनॉरिटी कम्युनिटी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको 250 रुपीज देनी होगी, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फ्रेंड्स ये रकम वापस कर दी जाएगी अगर आप पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस टेस्ट में जो अपियर्ड होते हैं। तो अब फीस आप ऑनलाइन मोड में जमा करा सकते हैं, चाहे आप डेबिट कार्ड यूज़ करें, क्रेडिट कार्ड यूज़ करें, नेट बैंकिंग यूज़ करें, आप किसी भी माध्यम से अपने पेमेंट को जो है कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ईडब्ल्यूएस क्लास की जानकारी भी आपको दी गई है, इसमें एक ऑप्शन है ईबीसी का, मतलब इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऑनलाइन फॉर्म में। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके परिवार की इनकम 50,000 रुपये एनुअल से कम है तो आपको फ्रेंड्स एक वैलिड इनकम सर्टिफिकेट जो कि डेट ऑफ एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, और इसके लिए आपको एनेक्सर बी भी यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपको अपलोड करना जरूरी होगा। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी आपको दी गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड रिफंड ऑफ फीस की बात करें, तो कैंडिडेट एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ फीस मस्ट प्रोवाइड देयर करेक्ट बैंक डिटेल्स, मतलब आपको आपके जो बैंक की डिटेल है वो बिल्कुल सही सही फिल करनी होगी फॉर्म को फिल करते वक्त, जिससे उसमें आपका रिफंड आ सके। इसके अलावा रिजर्वेशन जो है एससी एसटी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के लिए वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर आपको इस सर्टिफिकेट्स की डिटेल के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले है सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात, तो फ्रेंड टोटल मार्क्स देखिए आपको 100 मार्क्स रहेंगे, इसमें क्वालिफिकेशन आपके 55 मार्क्स की रहेगी, एक्सपीरियंस 30 मार्क्स का है, और पर्सनैलिटी या इंटेलिजेंस टेस्ट आपका 15 मार्क्स का होगा। ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का सिलेक्शन यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड सबसे पहले आपको देखिए वर्क्स के अंदर जो कि जूनियर टेक्निकल एसोसिएट्स है, तो यहाँ पर देखिए आपको डिटेल बताई गई है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल है या फिर आपके पास बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग है, और तो यहाँ पर आपको बताया गया है 50% अगर ओवरऑल परसेंटेज है आपकी तो आपके 50 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, चाहे डिप्लोमा बात करें चाहे डिग्री की बात करें। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 5 मार्क्स आपको मिलेंगे आपके हायर क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे आपने बीटेक किया है एमटेक किया है तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद एक्सपीरियंस बेस पर आपको 30 नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर भी आपको क्राइटेरिया बताया गया है इस 30 नंबर का कि मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास है तो आपको 20 मिलेंगे, और इससे एक्स्ट्रा है तो आपको 2.5 मार्क्स हर
ईयर मिलेंगे, तो मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपके पास CAD CAM का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद अगर कोई एडिशनल एक्सपीरियंस है आपके पास, एक्स्ट्रा कोई एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 मार्क्स यहाँ मिलेंगे। और पर्सनलिटी टेस्ट में फ्रेंड्स 15 मार्क्स का आपका यहाँ पर ये रखा जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स जो है फ्रेंड्स यहाँ पर कैसा कैसा रहेगा, तो A, B and C ये 5-5 मार्क्स में आपको डिवाइड किया गया है, जिसमें आपके प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल नॉलेज आपसे चेक की जाएगी, आपकी प्रोफेंसी चेक की जाएगी CAD CAM CAT में, उसमें आपको 5 नंबर्स मिल जाएंगे। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर तीनों सेक्शंस यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, आपकी पर्सनलिटी या फिर कम्युनिकेशन स्किल को भी चेक किया जाएगा। तो ओवरऑल सिलेक्शन फ्रेंड्स 100 मार्क्स का आपका यहां पर हो गया। ऐसे ही फ्रेंड्स यहां पर जूनियर टेक्निकल एसोसिएट के लिए भी आपका सेम प्रोसीजर रहेगा, ऐसे ही फ्रेंड्स जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके लिए भी आपका सेम प्रोसीजर ही रहने वाला है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक फ्रेंड्स आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, डिटेल को चेक कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं अप्लाई करना चाहते हैं आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है जिसमें हमने बात की है वेस्टर्न रेलवे की वैकेंसी के बारे में, तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।